हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती सराफ आई मालती किचन में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बनाते हैं हनी चिली पोटैटो। तो चलिए हम प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए, ये मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं जिसे बेबी पोटैटो कहते हैं, उससे थोड़ा सा मैंने छाट के थोड़ी सी बड़ी साइज़ ली थोड़ी सी, और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करके मैंने इसे एक का दो कर दिया। आप दो ही सीटी दीजिए कुकर में। और ये देखिए, इसे ऐसा मैंने छिलका निकाल के अभी मैं पैन में हल्का सा ऑयल डालूंगी, हल्का सा। मुझे ये जो मैंने पोटैटो लिया है, मुझे इसको हल्का सा क्रिस्पी करना है, हल्का सा। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी, उसको लाल हुए तब तक हम इसे करेंगे। जब तक ये हमारे पोटैटो अच्छे लाल हो जाते हैं तब तक हम इसमें जो मसाला डालेंगे, हम वो मसाला तैयार करते हैं। ये देखिए, हम पैन में हल्का सा ऑयल डाल देंगे। ये करीबन मैं 2 टीस्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ। और ये मैंने इसमें बेल पेपर्स लिए हैं, ये मैंने इसमें हाफ बेल पेपर ली है, रेड वाली, येलो वाली ली है, ग्रीन ली है। और ये स्प्रिंग अनियन का नीचे वाला भाग जो होता है उसे मैंने लंबा काट लिया है इसे। और ये मैंने स्प्रिंग अनियन के पत्ते जो होते हैं उसे बारीक कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर, ये मैंने जो अनियन डाला है, मैं ये अनियन इसके अंदर थोड़ा सौते कर लूँगी। सब्जियों को हमें क्रंची रखना है, हल्का हल्का सौटे करना है। एक बार जो हमारे आलू भी अच्छे करारे हो रहे हैं, ये देखिए अनियन को मैंने हल्का सा बस करने का है। हमें गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। और सबसे पहले मैं ये ग्रीन कैप्सिकम डाल दूंगी इसमें, और कैप्सिकम को भी मैं आधा आधा मिनट, बस थोड़ी थोड़ी देर ही इसको हमें सौते करना है। कैप्सिकम का दम एकदम ग्रीन रखना है हमें। ये मैं इसमें कैप्सिकम येलो वाली बेल पेपर, रेड वाली बेल पेपर, ये भी इसमें डाल दूंगी। और इसे हमें आधा मिनट भी सौते करना है। ये देखिए, हमने आधा मिनट इसको सौते कर लिया है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये हनी चिली पोटैटो है तो इसके अंदर चिली, अगर आपको येलो और रेड वाली बेल पेपर नहीं मिलती तो आप खाली ग्रीन कैप्सिकम से भी बना सकते हैं। अभी मैं ये प्लेट में अलग से एक मैं इसको खाली कर लूँगी। ये देखिए, आलू हमारे कितने अच्छे, ये देख सकते हो आप कितने करारे हो गए हैं, कितने बढ़िया। मैं इसमें मैदे में डिप, कितने हनी चिली पोटैटो में बहुत से लोग जैसे आलू को फ्रेंच फ्राइज की तरह काट के उसे डीप फ्राई करते हैं मैदे के घोल में डाल के, पर मैं आलू को बॉईल करके थोड़ा उसको हेल्दी वर्जन देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डीप फ्राई बहुत कम करूँ। अभी मैं हल्का सा ऑयल डालूँगी, हल्का सा एकदम, बहुत थोड़ा सा हमें ऑयल डालना है। इधर मैंने पोटैटो का जो गैस है वो मैंने स्लो कर दिया है। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये एक ग्रीन चिली ली है, बारीक कट कर ली है, हाफ इंच जिंजर लिया, ग्रेट कर लिया है, 2 कली मैंने लहसुन की ली है, क्लब जो मैंने उसे भी अच्छा बारीक कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये डाल देंगे, गार्लिक, जिंजर और चिली, ये हमने तीनों चीज़ डाल दी। बस मैंने इसमें हाफ टी स्पून से भी कम ऑयल डाला है। अभी मैंने ये इसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी ली है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये 1 चम्मच मैंने टमाटो केचप ली है। और ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस लिया है। और ये इसमें 1/2 टीस्पून मैंने विनेगर लिया है। तो अभी इन सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, मैंने कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी बनाई है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, और करीबन मैंने इसमें 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाला है, 1/2 कप से थोड़ा कम डाला है, ये मैं इसमें अब डालूंगी। और इसे अच्छा मैं एकदम ऐसे थिक जैसा गाढ़ा हो जाएगा, तब तक मैं इसे मिलाती रहूँगी। ये देखिए, हमने कितना अच्छा इसको कॉर्नफ्लोर का जो है घोल पूरा गाढ़ा हो चुका है हमारा। अब सेजवान चटनी, आप टमाटो केचप, अब आपके हिसाब से तीखा मीठा आपको जितना चाहिए उतना आप डाल सकते हो। ये देखिए, आलू एकदम अच्छे करारे एकदम क्रिस्पी लाल हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी अभी।
ये सब बेल पेपर्स भी मैं इसमें डालूंगी, और ये स्प्रिंग अनियन के मैं इसमें आधे पत्ते अभी डालूंगी, और आधे जब मैं सर्व करूंगी जब बाद में डालूंगी इसके अंदर। अभी तक हमने सॉल्ट डाला नहीं है, मैं सॉल्ट अभी लास्ट में सब मिक्स करके, क्योंकि सब जो हमने सॉस डाले हैं सब में हमें उसमें सॉस होता है, सॉल्ट होता है, तो हमें वो हिसाब से डालने का है। इन सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे हम। इसमें मैं सॉल्ट बहुत कम डालूंगा क्योंकि मैं इसमें अजीनोमोटो भी डालूंगी थोड़ा सा, तो वो एक प्रकार का चाइनीज़ नमक ही होता है। ये देखिए मैं इसमें हल्का सा डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने। और मैं इसमें अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून मैं इसमें हनी डालूंगी। अगर आपके बच्चे हनी नहीं पसंद करते तो आप मत डालिए, पर ये हनी चिली पटेटो है तो इसमें हनी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारा हनी चिली पटेटो एकदम रेडी है, और इसमें जब हनी डालते हैं तो एक शाइन सी आ जाती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर शाइन आई है इसमें, देखिए आप। चलिए रेडी है, अभी हम इसे सर्व करते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर से स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ा सा। लुक सो यमी, सी हनी चिली पटेटो, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। और इवनिंग स्नैक्स में आप बनाइए जरूर से, अपनी फैमिली को खिलाइए। हनी चिली पटेटो एकदम खाने के लिए रेडी है, खूब बढ़िया खुशबू आ रही है, बनाइए खाइए, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिएगा ज़रूर से। फिर मिलते हैं अच्छी से कोई डिश के साथ में, कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी कमेंट्स दीजिएगा, अच्छी से कोई डिश के साथ में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।